हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंजीनियर सर्वेंद्र कुमार, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बीपीएससी के क्वेश्चंस पेपर। आज यहां पे मैं लाया हूं नया बिहार एसएससी बीएसएससी का क्वेश्चंस पेपर, जो कि 16 फरवरी 2015 को आयोजित हुई थी एग्जाम और ग्रेजुएट लेवल का ये एग्जाम हुआ था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितना भी मैं क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करता हूँ उसको ज़रूर आप लोग देखिए, क्योंकि उस क्वेश्चंस के आसपास के और भी चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेगा जो कि करंट से रिलेटेड होते हैं या कुछ उससे फैक्ट रिलेटेड होते हैं या अन्य कोई भी चीज़ हो। और उसके अलावा मैं बता दूँ कि मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिएगा बहुत सारे चीज़ों का मैंने डिस्कशंस किया है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो या एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, उन तमाम एग्ज़ाम के लिए जो मैंने डिस्कशंस किया है, करंट अफेयर्स है, सारे वहाँ पे टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं, उनको भी आप लोग देखते रहिए क्योंकि वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। और ख़ास करके जो बिहार एसएससी बिहार दरोगा के लिए जो मेंस के लिए तैयारी करेंगे बिहार दरोगा के लिए, उनके लिए भी बहुत उपयोगी होंगे हमारे तमाम डिस्कशन जो मैंने ऑलरेडी पहले कर लिया है। तो यहाँ पर चलते हैं, डायरेक्ट डिस्कशंस में आते हैं, देखते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए फ्रेंड्स, आइए। आप जितने भी फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को देखा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, आप दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे चलते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन, ये आयोजित हुआ था बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 16 फरवरी 2015 को। इसमें देखिए सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन है। आइए यहाँ पे देखिए, वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती? उस टाइम का करंट अफेयर्स है, लेकिन मैं उससे और रिलेटेड चीज़ें मैं बताऊँगा यहाँ पे। तो वो जीता था कर्नाटक ने, लेकिन मैं बता दूं प्रथम आयोजन हुआ था रणजी ट्रॉफी का 1934 ईस्वी में, और प्रथम भारतीय क्रिकेटर जो अंतर्राष्ट्रीय खेलने वाले थे रणजीत सिंह जी, उनके याद में ये टूर्नामेंट खेला जाता है। और सबसे ज़्यादा जो रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं अब तक रणजी ट्रॉफी में, वसीम जाफर ने 10,000 से ज़्यादा रन बना लिए हैं रणजी ट्रॉफी में। और मैं बता दूँ 2017-18 का जो रणजी ट्रॉफी हुआ था उसके विजेता हैं विदर्भ, जो कि दिल्ली को 9 विकेट से हराया था, पहली बार इन्होंने जीता है। और यह 17-18 वाला जो आयोजन हुआ था 84वां आयोजन था, 84th ये आयोजन था यहाँ पे रणजी ट्रॉफी का। और इससे मैं थोड़ा सा और चीज़ कुछ बता दूँ कि कुल जो टीमें हैं अभी इसमें रणजी ट्रॉफी में टोटल 28 टीम है, जिसमें कि लास्ट में 16-17 सीजन में छत्तीसगढ़ एंट्री मारी थी, मीन्स 28वां जो टीम है वो छत्तीसगढ़ 16-17 सीजन में आई थी। और सबसे ज़्यादा जो जीता है अब तक रणजी ट्रॉफी मुंबई 41 बार। ये कुछ आपके तथ्य थे। आगे चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है क्यूबा, जो क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा माना जाता है, और क्यूबा की राजधानी है हवाना, और क्यूबा का जो करेंसी है क्यूबन पेसो, क्यूबन पेसो। आगे चलते हैं तीन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को, संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। आगे चलते हैं चार नंबर पे, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? उस टाइम वायसराय थे माउंटबेटन, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं पाँच पे, कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में संगठन में शामिल रहा? डॉक्टर AO ह्यूम जो थे वो शामिल हुए थे सेवानिवृत्त होकर के। आगे चलते हैं छः नंबर पे, ये देखिए फ्रेंड्स, म्यांमार की नई राजधानी नेपी दाव है नई राजधानी, और उससे पहले जो है म्यांमार की जो राजधानी थी फ्रेंड्स, पहले यंगोन, जिसको रंगून भी कहा जाता है, यंगोन था पहले, यंगोन मतलब रंगून, और ये 1948 से 2006 तक ये रंगून जो थी राजधानी थी वर्मा की, मीन्स म्यांमार की, और वहाँ की करेंसी है फ्रेंड्स वर्मीज, वर्मीज कैत, वर्मीज कैत, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट बता दूँ, जो म्यांमार है वो हमारे भारत के 4 राज्यों से बॉर्डर बनाती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये याद रखिएगा। और कुछ करंट चीज़ें जो न्यूज़ में रहता है उससे रिलेटेड, जो इंडिया का बॉर्डर टच करता है उन देशों के बारे में आप लोग जानते रहिएगा, देखते रहिएगा। आगे चलते हैं, तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये भीष्म साहनी जी हैं इनके लेखक। आठ पे चलते हैं, आंग सान सू की जो NLD की नेत्री हैं किस देश से संबंध रखती हैं? ये संबंध रखती है म्यांमार से, और ये लोकतंत्र की स्थापना के लिए काफ़ी संघर्ष किया था वहाँ पे म्यांमार में, और इनको लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री भी माना जाता है म्यांमार में, और प्रमुख विपक्षी नेता भी हैं वहाँ पे।
नौ पे चलते हैं। भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे प्रधानमंत्री, लेबर पार्टी से ये रिलेटेड थे। सी होगा सही आंसर। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चंस की ओर। आइए, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? उस टाइम थे रघुराम राजन, अभी है उर्जित पटेल। आगे चलते हैं 11 नंबर पे। एक सेकेंड, ये रहा। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उस समय के हिसाब जो उस समय के हिसाब से जो ममता शर्मा थी, ये ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ, अभी जो है इनके वर्तमान अध्यक्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के, ललिता कुमार मंगलम जी हैं। 9वीं ये अध्यक्ष बनी है, 9th अध्यक्ष हैं, 9th पोजीशन पे आई हैं। और उसके बाद स्थापना जो हुआ था 1992 में, इसका स्थापना हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग का। और प्रथम अध्यक्ष जो थी जयंती पटनायक। आगे चलते हैं, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? यह समझौता हुआ था 1954 में। ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। 29 अप्रैल 1954 को हुआ था यह समझौता, जब प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। मेरी आवाज़ को भी सुनकर के बहुत सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके काम के होंगे, आपके रिलेटेड होंगे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ये जनक थे फ्रेंड्स MS स्वामीनाथन, जो कि 1970 के दशक में हरित क्रांति आई थी। 14, संपूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? यह पारित किया गया था 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में, और इसी के वजह से 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया था 1950 में। आगे चलते हैं, 15, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? यह पूना संधि जो हुई थी फ्रेंड्स 1937 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 15 का, सॉरी सॉरी गलत मैंने बोल दिया, 1932 में हुआ था। यहाँ पे बी सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, 16, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? यह गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन हो जाएगा 16 का सी। आगे चलते हैं 17 पे, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? रवि वर्मा जो थे त्रावण कोर से जुड़े थे। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 18 पे, 18 पे, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसमें जो अमरकंटक में उद्गम है वो सोन नदी का है। बी होगा सही आंसर। और जो है अन्य नदी का भी उद्गम स्थल आप लोग देख लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने पहले वीडियोस में डिस्कस कर लिया हूँ। आगे चलते हैं, एक सेकेंड, 19 पे, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो वेन सांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में, जो भारत में जो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आए थे और 17 वर्षों तक यहाँ पे रह करके गए थे। और इनकी पुस्तक सी यू की भारत का विवरण किया उन्होंने अपने यात्रा के बारे में और भारत के विवरण के बारे में। सी यू की इनकी पुस्तक वेन सांग की। आगे चलते हैं 20 पे, 20, सॉरी एक सेकेंड, ये देखिए, साइलेंस वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? ये केरल राज्य में अवस्थित है। डी हो जाएगा सही आंसर। 21 पे चलते हैं, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? ये मांडोवी नदी पर अवस्थित है। बी हो जाएगा सही आंसर। 22, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा समान वायुमंडलीय दाब। डी हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे 22 का। 23 पे चलते हैं, एक सेकेंड, आइए 23, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो इसमें जो समाहित होती है फ्रेंड्स लूनी नदी। बी हो जाएगा सही आंसर 23 का। 24, निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देशी नहीं है? तो ये जो देशी नहीं है, गिर प्रजाति देशी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा 24 का बी। और जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें हो, उसके आसपास की चीज़ों को जो मैं डिस्कस नहीं कर पाता हूँ, उसको भी आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। आते हैं 25 पे, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? अमेरिका से थे, और वैश्विक स्तर पे इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आगे चलते हैं 26 पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो वैसे तो अनुच्छेद जो है 17 जो है छुआछूत से संबंधित है। आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और यहाँ पे मैं मूल अधिकार से मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड फंडामेंटल राइट जो है उससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बता दूँ कि कुल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, जिसमें कि समता का अधिकार जो राइट टू इक्वालिटी है, उसमें अनुच्छेद जो है
14 से 18 तक लिखा हुआ है, अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी में है। उसी में 17 नंबर आर्टिकल जो है छुआछूत की भावना को, उन्मूलन को खत्म करने के लिए लिखा गया है आर्टिकल अनुच्छेद 17 में। और उसके अलावा मैं बता देता हूँ, स्वतंत्रता का अधिकार जो है राइट टू फ्रीडम जो 19 से 22 अनुच्छेद में लिखा गया है, शोषण के विरुद्ध राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो अनुच्छेद 23 से 24 में लिखा गया है, धर्म की स्वतंत्रता राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो लिखा गया है वो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में लिखा गया है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो 29-30 अनुच्छेद में लिखा गया है जिसको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट बोलते हैं, और छठा जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32 में लिखा गया है। तो ये आपके मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। और यहाँ पे एक खास चीज़ मैं बता दूँ, जो अभी अभी आर्टिकल 21 के अंदर नया चीज़ आया है, जो प्राइवेसी वाला जो अधिकार है वो आर्टिकल अनुच्छेद 21 के अंदर आता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं 27 पे, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो देखिएगा, जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है 3:2 या 2:3 के अनुपात में ये इसको सही मान सकते हैं। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में अरों की संख्या 24 सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, ये गलत है। राष्ट्रीय धुन बनाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकेंड है, जो कि सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा गलत, जो राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है फ्रेंड्स अशोक स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ में मिली थी अशोक स्तंभ, उसके लाट से लिया गया है। और यहाँ पे मैं बता दूँ अशोक स्तंभ के बारे में, अशोक स्तंभ में चार शेर हैं और उसके नीचे में जो गोल पट्टी है उसमें है हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा, सांड और सिंह है, जो हर पशु के बीच में धर्म चक्र का सिंबल भी बना हुआ है। और उसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, देवनागरी में यह लिखा गया है। और 26 जनवरी 1950 को अशोक चक्र जो है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उसको हम लोग अपने संविधान में सम्मिलित कर लिए थे। आगे चलते हैं 28 पे, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना जो की जाती है पंचायत की पहली बैठक की अवधि से की जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 29 पे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए राज एक सेकेंड फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राज्यसभा के संदर्भ में यदि इसको यहाँ पे पढ़िएगा तो विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकते, ये सही है। और बिहार में राज्यसभा से कुल सीटें 16 चुन करके जाती हैं, याद रखिएगा 16 सीटें राज्यसभा में चुनी जाती है बिहार की तरफ से। आगे चलते हैं 30 पे, आइए यहाँ पे देखिए भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। 1951-52 में संपन्न कराया गया था। 31 पे लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6% मत नहीं आता है, तो 1/6 हिस्सा नहीं आएगा, तो 1/6 से कम प्राप्त होगा तो उसका जमानत जब्त हो जाता है, सही होगा सही आंसर। 32 पे चलते हैं, आइए फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था फ्रेंड्स, ये हो जाएगा बी 32 का। 33 पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए एक एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। तो लोकसभा में जो विपक्ष दल के नेता हो, विपक्ष दल जो होता है उनको कम से कम जो है 1/10 भाग आना चाहिए बहुमत में, सांसद उनके 1/10 भाग होने चाहिए कुल सीट में से। जैसे अभी लोकसभा में हमारे यहाँ 543 सीटें हैं चुन करके आती हैं, तो उसमें 1/10 करेंगे तो 54.3 आएगा, 54.3 आएगा। तो इस हिसाब से यहाँ जो ऑप्शन आपको सही दिख रहा है 55 संसद चुन करके आने चाहिए, तो ये होगा आप ए सही आंसर होना चाहिए होगा। 34 ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को वर समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है, आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा, 7 दिनों बाद, ए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 34 का। आप यहाँ पे देख लीजिए 34 का ए सही हो गया। आगे चलते हैं 35 पे, यहाँ पे देखिए 35 सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार है लोक भागीदारी, इसमें जो किया गया था फ्रेंड्स 2 अक्टूबर 1952 को ये शुरू किया गया था, जो कि कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर आता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और ये लोक
हितों के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, उनके ग्रामीण विकास में उन्नति के लिए, लोग की स्थिति को सुधारने के लिए ये किया गया था। सी होगा सही आंसर, को डिटेल में देख लीजिएगा वैसे। और यहाँ पे चलते हैं 36 पे। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? 90:10, 90:10, ये ऑप्शन हो जाएगा ए सही आंसर। 37 पे चलते हैं। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और दो युद्धों के कारण प्रभावित हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक चली थी, 18 दिसंबर 1951 से ये शुरू हुआ था, और ये किस कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया था इसमें, और उस टाइम के अध्यक्ष थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के जवाहरलाल नेहरू, और उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा। आगे चलते हैं 38 पे। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी फ्रेंड्स, बिहार में 1923 में। और मैं बता दूं कि अखिल भारतीय किसान सभा जो 11 अप्रैल 1936 से शुरू की गई थी, वो लखनऊ में शुरू की गई थी किसान नेताओं के द्वारा। आगे चलते हैं 39 पे, एक सेकेंड। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चरित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? ये रचनाकार थे दीन बंधु मित्र, जो कि बंगाल के एक नाटककार थे। ये सी हो जाएगा सही आंसर, जो कि 1958-59 में ये बुक इन्होंने लिखी थी, नाटक लिखी थी। 40। नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध पंचायती राज से है, आपका हो जाएगा यहाँ पे 40 का ए सही आंसर। आगे चलते हैं, एक मिनट। 41। वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? तो शांति पुरस्कार के विजेता मलाला यूसुफ जई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से दिया गया था, जो कि पाकिस्तान की मलाला यूसुफ जई हैं। और वहीं यदि 2017 की बात करूं तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था नाविकीय निरस्त्रीकरण हेतु, इनको दिया गया है शांति पुरस्कार, शांति नोबेल पुरस्कार 2017 का, जो कि यह संगठन के जो नेता थे बिट्रिस फिन नेता थे इस संगठन के, जिनका स्थापना जो हुआ था 23 अप्रैल 2007 को ऑस्ट्रेलिया में, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाया था नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए, और उनको इस बार शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है इस संगठन का। तो आगे चलते हैं 42 पे। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है क्रीड़ा प्रशिक्षण, मीन्स स्पोर्ट्स गेम जो होते हैं उसमें जो कोचिंग करते हैं उनको दिया जाता है। और इसका सर्वप्रथम स्थापना जो हुआ था द्रोणाचार्य पुरस्कार का 1985 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, सॉरी यस 1985 में स्थापना हुआ था। और प्रथम विजेता जो थे द्रोणाचार्य के प्रथम विजेता जो थे उस टाइम 3-4 आदमी को मिला था, जैसे कि भलाचंद्र भास्कर भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज, ओ एम नंबियार, ऐसे लोगों को मिला था। और 2017 में यदि बात करें तो GSVV प्रसाद को बैडमिंटन के क्षेत्र में मिला है, डॉक्टर आर गांधी को मिला है एथलेटिक्स के क्षेत्र में, और हीरानंद कटारिया को मिला है कबड्डी के क्षेत्र में, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार याद रखिएगा। आगे चलते हैं 44, एक सेकेंड, 43 रह गया। 43। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ध्यानचंद से संबंधित है। 44। मैग्सेसे पुरस्कार रोमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? वे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, और यह पुरस्कार अप्रैल 1957-58 से शुरू किया गया था, और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। आगे चलते हैं 45 पे। ये जो 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो ये किया गया था रूस में, जो कि सोची शहर है रूस में, वहाँ पे 2014 में आयोजित किया गया था। और 23वां आयोजन दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में 9 फरवरी से 25 फरवरी 2018 में हुआ था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड चीज़ें भी देख लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में अवस्थित है, और विश्व का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट, गर्म रेगिस्तान, हॉट डेजर्ट सबसे बड़ा विश्व में है, लेकिन तीसरे स्थान पर ओवरऑल माने तो तीसरा स्थान इसका है, जो कि अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद इसका तीसरा स्थान होता है ये डेजर्ट का, सहारा डेजर्ट। यदि फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को और तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे फ्रेंड्स जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट लाइक करना नहीं भूलिए। चलते हैं आगे। 47।
डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से, और डूरंड कप 1988 में प्रथम बार आयोजित किया गया था। 47, 1988 में प्रथम बार भारत में होता है। आगे चलते 48, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो पुस्तक लिखा गया था, ये लिखा गया था फ्रेंड्स, ये लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। देख लीजिएगा, इसको पॉज करके पूरा पढ़ लीजिएगा, डिस्कवरी, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू। डी इज द राइट आंसर। 49, यहाँ पे देखिए, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू है असम का लोक नृत्य, प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर लेकर के आऊँगा कल 8 से 9 के बीच में आपके बीच ये वीडियो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो और कुछ क्वेश्चन बच गए हैं उससे रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं अगले दिन। और मैं बता दूँ कि ये जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ है, इसी के लगभग पैरेलल पैटर्न में जो अब बिहार 12th लेवल का एग्ज़ाम होगा, जो कि पहली बार आयोजित हो रहा है बिहार SSC 12th लेवल का, इसी के पैरेलल में कुछ इसी टाइप का पैटर्न रहेगा क्वेश्चंस का, तो इसको आप देखते रहिए, और भी चीज़ें मैं लेकर के आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस डिस्कशन के लिए, थैंक यू वेरी मच।